बाहा में एक करियाने की दुकान की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात की गई। यही नहीं, चोरों ने दुकान में चोरी तो की ही और साथ में जाते जाते दुकान में आग भी लगा दी। इस वारदात के बाद चोरों ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और डीवीआर भी चोरी कर ले गई। साहा में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर अब अपने पीछे हर सबूत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बता दें कि साहा के मीठापुर गांव में एक करियाने की दुकान पर चोरों ने दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वही दुकान मालिक ने बताया कि उसकी दुकान में रात को आग लगी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन बाद में पता चला कि दुकान में चोरी हुई है, लेकिन कितने का नुकसान हुआ इसके बारे में अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मीठीपुर गांव में एक करियाने की दुकान में आग लगी है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। वहीं दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन बाद में पता चला कि आग लगने से पहले दुकान में चोरी हुई है, जिसके बारे में जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके तहत कार्यवाही की जाएगी। हाँ जी सर, मेरा नाम हरीश बत्रा है। मेरी दुकान का नाम बत्रा किराना स्टोर मिठापुर अम्बाला में है। ऐसा आज रात को 1 बजे हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को सूचना दी कि दुकान में आग लग चुकी है, जिसको देखने के लिए हम आए और हमने एक नज़र में देखा कि दुकान में आग लगी है। हमने आग पर काबू पाने की कोशिश करी और कुछ समय बाद अग्निशमन के अधिकारियों के साथ मिलकर हमने आग पर काबू पा लिया, लेकिन उसके बाद हमारे को पता चला कि दुकान में आग लगने से पहले चोरी हुई है और चोर क्या सामान ले गए हैं और कितना नुकसान हमारा शॉर्ट सर्किट से हुआ है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। कैमरे की सुविधा थी आपकी दुकान में? जी सर, कैमरे की बिल्कुल सुविधा थी, लेकिन चोर जाते समय हमारे कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ उठा कर ले गए। सॉरी सर, ले गए। ये सर ऐसा है जी, सोनलाल बत्रा जी के नाम से दुकान है और थाने में टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मिठापुर में एक दुकान में करियाने की आग लगी हुई है। वहाँ फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड को फोन किया और वहाँ पे आई तो उन्होंने आग बुझाई और हम वहाँ से आगे। फिर बाद में उनको पता चला भी इसके पीछे एक पार दिया हुआ है, तो फिर हम दोबारा गए, हमने देखा भी इसमें पार था, तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जो सामने आएगी उसके बाद तथ्य पर कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।